झारखंड चित्रपट संघ मई महीनों में रांची में एक सिनेमा प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं की लघु और सामान्य फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। झारखंड चित्रपट संघ का मानना है कि सिनेमा के क्षेत्र में रोजगार की बड़ी संभावना है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी काफी कम है। वहीं रांची में आयोजित क्षेत्रीय सिनेमा प्रतियोगिता में उन्हें तरह तरह की फिल्में देखकर फिल्मों की बारीकियां समझेंगे। इसके अलावा अगर इनकी फिल्में चयनित होती है तो उन्हें इनाम में 2 लाख रुपए भी मिलेंगे। असल में हम लोगों ने झारखंड के ही फिल्म निर्माताओं को निमंत्रित किया है, किसी अन्य राज्य के फिल्म निर्माता अपनी फिल्म जमा नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम लोग झारखंड के संदर्भ में किया है। और इसका थीम, इसका विषय है जनजातीय समाज, क्योंकि हमारा मानना है कि जनजातीय समाज आदिकाल से इस क्षेत्र में रहे हैं और उनकी जो परंपराएँ हैं उसको चित्र के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से देश विदेश तक जाना चाहिए। चित्रपट झारखंड का गठन का उद्देश्य था कि सिनेमा उद्योग में बहुत सारे रोजगार की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट का वहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ विडम्बना क्या है कि हमारे समाज में लोग बेरोजगार भी हैं, तो क्यों नहीं सिनेमा को उद्योग का एक दर्जा दिया जाए, उद्योग की तरह इसे यहाँ बढ़ावा दिया जाए ताकि यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार भी मिले और साथ ही हमारी परंपरा को, हमारी कल्चर को, हमारी संस्कृति को चलचित्र के माध्यम से देश विदेश में दिखाने का मौका मिले। झारखंड के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों से कलाकारों को चुनकर उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करना झारखंड चित्रपट संघ का एक अच्छा प्रयास माना जा सकता है, लेकिन बिना किसी प्रशिक्षण के ग्रामीण क्षेत्र की कलाकार किस हाल में इस प्रतियोगिता में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे, यह समझने की जरूरत है। झारखंड के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों से कलाकारों को चुनकर उसके लिए प्रतियोगिता का आयोजन करना यह चित्रपट संघ झारखंड का अच्छा प्रयास भले ही माना जा सकता है, लेकिन इसमें एक बड़ी परेशानी यह है कि जिन क्षेत्रों में इन कलाकारों को प्रशिक्षण नहीं मिला हो वहाँ के कलाकार इसमें किस प्रकार अपना जलवा दिखाएंगे। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।